दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हमारे साथ हैं निर्मला जी और इनके दोनों बेटों को कुछ लोगों ने घेर लिया और एक बेटे पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया है। बकरा काटने वाला चाकू था, नुकीला चाकू था, और जो हिमांशु है जिसको चाकू से चोट मारी गई है वो सर्वोदय हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में भर्ती है। हालत बड़ी सीरियस है, माँ परेशान है। ये बताएंगी हमला कहाँ पर हुआ और किन लोगों पर डाउट है। क्या नाम है आपका? मेरा सर नाम निर्मल वर्मा है। कहाँ रहती हैं? मैं ओल्ड फरीदाबाद में रहती हूँ। क्या हुआ बेटे के साथ? बेटे के साथ ये हुआ था, छोटा बेटा बाहर खाना लेने गया था होटल में, वहीं दो लड़के आके इसको बोलने लग गए कि तू अपनी गाड़ी का शीशा खोल के मत चलाया कर। इसने बोला कि भाई तुझे क्या मतलब है, मैं अपनी गाड़ी का सनरूफ खोल के चलाऊं या ना चलाऊं, मेरी गाड़ी। तो उन दोनों ने इसको घेर लिया। इनको घेर लिया? हाँ जी। इसका नाम है भैया? मेरा नाम कुणाल है सर। उन दोनों ने मेरे को कंधे में हाथ डाल के घेर लिया। मेरे से गाड़ी से जा रहे थे? नहीं, मैं स्कूटी से था। तो मेरे से ये कह रहा था कि अगर हमारी गली में से गाड़ी लेके जाएगा ना तो इस सनरूफ को गाड़ी को खोले के नहीं लेके जाएगा, हवाबाजी नहीं चलेगी यहाँ तेरी। मन की भाई मेरी गाड़ी, मैंने अपनी नई गाड़ी ली, अभी मैं या खोल के चलाऊ या कैसे भी चलाऊ, आपको क्या उससे ऐतराज? तो कह रहा अच्छा तुझे अभी बताऊ। मन की ठीक है भैया, लो मैं अपने भैया को बुला लेता हूँ। मैंने अपने बड़े भैया को बुलाया। जैसे ही बड़े भैया आए तो बड़े भैया ने कहा इसने अपने पैसे खर्च कर, हिमांशु भैया को बुलाया मैंने अपने को। तो वो कहने लगे कि बड़े भैया बोलने लगे उन्होंने कि भाई इसने अपने पैसे खर्च करे हैं, तुम्हें क्या आपत्ति है? लोग अभी बताए तुझे क्या आपत्ति है, चले जा नहीं तो कुट जाएगा। तो भैया ने कही कुणाल चल, इन्होंने पी रखी है बेमतलब में। हम बाइक उसने स्टार्ट करी, मैंने स्कूटी स्टार्ट करी, तो पीछे से आके यहाँ पे छह बार वार करा उसने। छह बार चाकू मारे। चाकू के ये रे फोटो जिसमें चाकू के मैंने फोटो खींचे हैं, और है बकरा काटने वाला लंबा सा चाकू है और चाकू टूट कर वहीं गिर पड़ा। टूट के वहीं गिर गया। दो चाकू थे जिसमें ये रहा एक चाकू। तो दिखा देते हैं थोड़ा सा, एक मैं करूंगा, दिखाओ ये चाकू है, थोड़ा सा कवर करें क्योंकि बैन कर देता है फेसबुक। तो ये चाकू है, इससे वारदात की गई है। और इनकी भी चोट दिखा देते हैं, हिमांशु की चोट है जो एडमिट है सर्वोदय हॉस्पिटल में, काफी क्रिटिकल है। अच्छा आप बताइए आप क्या कह रहे थे? मेरे जब उन्होंने चाकू मारने की कोशिश करी उसने, तो मैंने उसकी गर्दन मरोड़, मैंने उसको ऐसे पकड़ लिया, उसने मेरे चाकू यूं चला रहा जैसे, तो मैंने एक हाथ में तो यहाँ खा लिया, जैसे दूसरे चलाने हुआ तो मैंने वो चाकू यूं ही तोड़ के उसको जमीन में गिरा। अच्छा हाँ जी। नहीं तो मेरे कहीं लगा यहाँ पे लगा पड़ा है, इस टाइम पट्टी बांध रखी है? नहीं टाके लगे। टाके लगे हैं, चार टाके आए मेरे इधर पे कोनी में। आपको भी मारा? हाँ, उसके बाद भाई को मारा है, उसके बाद भाई को भी मारा है जी। फिर भाई नहीं चाकू लगने के बावजूद भी उनमें चार पांच घूसे मारे, फिर वो भाग गए। फिर वो थाने पहुंचे, अपनी बाइक स्टार्ट उसने की, इसने मोटरसाइकिल ली, वो थाने के गेट पे ही बेहोश हो गया। फिर ये उसकी बाइक छोड़ के ये उसको स्कूटी बैठा कर सर्वोदय हॉस्पिटल ले गया, जहाँ उसका कम से कम दो बाल्टी खून बहा है। उस लड़के की 7 तारीख को शादी होने वाली है, दिसंबर में 7 दिसंबर की शादी है। जा तो कुछ भी कर लिया। कौन है ये जो धमकी दी? ये जी वो है, कैसे मारने का काम करते हैं? सुपारी किलर है जी। एक तो विजय वो है खटीक, अभी जेल गया है, ठीक है, उसका छोटा भाई है अब्बू खटीक, और एक ये है तुम्हारा मुकुल सैनी जो कि गड़ी मोहल्ले में रहता है। मेरे से कह रहा था तुझे तो जान से ही मारूंगा, चाहे तू कितनी भी वो कर ले अब तू। हाँ जी, जाते जाते मरा, अब तो तू बच गया, अगली बार बच जाएगा हाथों से। सबसे बड़ी बात पुलिस को बता दिया, हमने ये बात बताई है, पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज करी है, पुलिस ने हमारे साथ पूरा सहयोग करे। ऐसा नहीं है, उनके घर भी गए, घर दो बार पुलिस गई है, रात को भी गई थी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर हमें इंसाफ चाहिए। हम भाई हमारी गाड़ी हमने अपने लिए ली है, पर्सनल यूज के लिए, अब अपने लिए ले लो, हम कोई मना थोड़ी करे। गाड़ी का बहाना है, कोई खुन से निकाली है जिसको हम जानते ही नहीं है, और गाड़ी तो अभी एक बार ही लेकर निकले बस रोड पर। अभी नई गाड़ी ली है मैंने। कौन सी गाड़ी? मैंने क्रेटा गाड़ी ली है, टॉप मॉडल है, सबसे ऑप्शनल। किसी ने कब की वारदात है ये? वारदात कल रात की वारदात है, 10:40 पे 21 नवंबर को। हाँ जी, थाने में शिकायत दी? हाँ जी, थाने में शिकायत दी उन्होंने, मेरे तुरंत एफआईआर करी है, जबकि उन्होंने उन्होंने घर पे भी गए, उन्होंने माँ बाप से पूछा कहाँ तुम्हारा लड़का, उन्होंने कहा कि हमारा लड़का हमें पता ही नहीं है। तुम्हें लड़के की नहीं पता, तुम्हारा एक दिन हो गया आज, लड़का पता ही नहीं है तुम्हें? तो हमारे साथ प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है इस टाइम। और कौन सी जगह वारदात हुई थी आपके घर से? कितनी दूर? मीट मार्केट में वीर जी का ढाबा है, उधर पे वारदात हुई है। सबसे बड़ी इनके हाथों में बकरा काटने वाला चाकू। बकरा काटने वाला चाकू था, दो चाकू था भाई साहब। हाँ जी, बकरा काटने का काम करता है ये अब्बू खटीक। हाँ जी, ये स्नैक का भी धंधा करता है, ये दारू वारू भी सप्लाई करता है जी।
अब इसको पुलिस ढूंढ रही है। आपको पुलिस ढूंढ रही है, इस पे इनाम भी है, 51,000 रुपए का इनाम भी है। पूरा मोहल्ला परेशान है। आप बताइए, कोई किसी को बोलेगा तो चाकू छुपा के क्यों लेके जाएगा? इसका मतलब पहले से ही पेनालिंग चल रही थी। और मुझे पूरा शक है कि हमारी साल भर पहले किसी से लड़ाई हुई है और उन्होंने ही इनको हमारे लिए हमें लपेट के करा। अगर इनसे लड़ाई थी, गाड़ी ये चलाता बड़ा वाला हिमांशु गाड़ी नहीं चलाता, तो चाकू इसको मारने थे। उसको टारगेट किया गया क्योंकि उसको शादी करनी थी। तुरंत पकड़ लिया मैंने, हमें ये पहले धमकी दी गई थी कि इससे तो मुझे जान से मारना है उसको, हिमांशु को पहले भी बोला था। पहले भी बोला मारा गया, आर पार हो गया चाकू। हाँ जी, यहाँ से लेकर और यहाँ पर आ चुका है चाकू, फेफड़ों में पार हो चुका है। यहाँ से अब जो सांस ले रहा वो ऑक्सीजन यहाँ से ले रहा, पेट में चहल करके यहाँ से। हाँ जी, पर है फेफड़ पसली टूट गई है चाकू से, 6 चाकू के वार करे हैं और फेफड़े को फाड़ के चाकू भर आया है। बहुत दुखद है, देखिए भगवान करे उसकी जान बच जाए। डॉक्टर तो जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं लोग। 7 दिसंबर की भाई की शादी भी है, हमने बोला भाई प्यार से चले जा, हमारी गाड़ी है यार, हम सनरूफ खोल के चलाएं या कैसे भी। गाड़ी भी नहीं थी, स्कूटी थी। गाड़ी नहीं थी, स्कूटी थी। और सबसे बड़ी बात, गाड़ी ये चलाता वो नहीं चलाता, मतलब कर जो है रार मोल। हाँ, वो कहने का मतलब रंजिश निकल वाली किसी और से। साल भर पहले मेरी किसी से लड़ाई हुई थी एक, मुझे पता है, पर अभी शॉर्ट आउट नहीं हो रहा, पूरा शॉर्ट आउट होते नहीं पता लग जाएगा। जिनको हम जानते नहीं वो हम पे हमला क्यों करेंगे? आज तक मुझे वो नहीं जानता, नहीं मैं उसे जानता। कुछ ना कुछ कारण है, बस यही है हमारा निवेदन कि उनको पकड़ा जाए और जिन्होंने उनसे ये काम करवाया है उनको भी पकड़ा जाए, वो भी पकड़े जाए। रहना दुर्भर हो रहा है बहुत ज्यादा। यहाँ पे सिमेक खुलेआम बिक रही है। अच्छा, ऑक्सीटोसिन बिक रहा है, बिल्कुल बिक रहा है। कोई कार्रवाई नहीं है इस मामले में, तो मतलब इतने परेशान है। जो बता रहे थे ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन खुलेआम बिकते हैं सर, बिल्कुल। कौन से एरिया में बिकते हैं, कहाँ पर बिकता है सर? जहाँ पर राशन डिपो पड़ता है, बाढ़ मोहल्ले में खुलेआम बिकते हैं सर। हाँ, वहीं रहते हैं बाढ़ मोहल्ले? नहीं, हम बसापाड़े में। बसापाड़े में? हाँ जी, बसापाड़े। वो लड़के वहीं के खुलेआम बिकते हैं दारू, सबको पता है ये बात तो, क्यों खुलेआम चलता है। रोज कट्टा निकाल के पड़ोसियों को बता देता है, दिखाया था कट्टा भी, दिखाया था। वो ऐसे ही करता है, हथियार है उसके, हथियार है, मर रही है वो सारे खुद। आपने पुलिस को बता दिया ये सब चीज़? उनको खुद भी पता है ये चीज़, पता है। चलो जी, ठीक है, देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करती है। और जैसे पुलिस उनको पकड़ती है और जो नशा बेचते हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इनका कहना है नशा भी बेचते हैं, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी बेचते हैं, तो तमाम गलत चीजें वहां पर हो रही हैं। अब एक युवक पर जानलेवा हमला भी हो गया। ये होटल पे गए वो, तो वो चाकू लेके क्यों गए? इसका मतलब पता था कि लड़का 2-4 दिन में आता रहता है, तो चाकू ले जाने का तो मतलब ही नहीं था। प्लानिंग के साथ, प्लानिंग के साथ काम था। सबसे बड़ी बात, हम वो लड़का, ये अबू लड़का है जी, और ये मुकुल लड़का है। एक क्लियर फोटो, ये अबू, ये मुकुल, जो कि ये कह रहा था कि तुझे तो जान से मारूंगा, चाहे तू कुछ भी कर लियो। अच्छा, हाँ जी, इसने खुद, इसी ने हमला किया है? हाँ जी, इसने हमला किया, फिर इसने करा तुरंत ही मेरे ये पे। अबू, अबू हमें ये जानना है सर, हमारी दिखा दो भाई अबू को, तो बदमाश लग रहा है। पूछो एक बार। अच्छा, ये चाहते हैं हमारी दुश्मनी क्या है इनसे? पता नहीं, ऐसे बदमाश फरीदाबाद में बचे पड़े हैं, पुलिस को देखना चाहिए। पुलिस वैसे तो कहती है कि बदमाश भाग गए हैं, लेकिन जो है धमकी दे रहा है, अच्छी बात थोड़ी नहीं है भाई। मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा हो या तेरे से मैंने कुछ बोला हो तो वो कह सकते हो आप। हम जानते नहीं हम पे हमला क्यों किया जा रहा है, हमला क्यों किया जा रहा है। चलो जी, ठीक है, पुलिस जरूर कार्रवाई करेगी। आपको जो भी सूचनाएं मिल रही हैं आप पुलिस को बताइए, सीआईए को बताइए। पुलिस कार्रवाई कर रही है, सीआईए कर रही है, बताइए। सर अभी तो पुलिस कार्रवाई कर रही है। अच्छा, हाँ जी, चलो जी, सीआईए को भी इस मामले में लगना चाहिए। और लगता है इस टाइम पुलिस को बहुत कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि फरीदाबाद में खुलेआम नशा बिक रहा है। रोज पकड़ के दे दूं मैं किसी ना किसी को, बताओ। अच्छा, फरीदाबाद में थिनर का नशा, पेट्रोल का नशा खुलेआम बिक रहा, कोई रोकने वाला ही नहीं है इस टाइम। खुद विधायक विपुल गोयल जी हैं, उनके मंदिर के आगे 100 आदमी हर समय जुआ खेलते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। बताओ, जो विधायक की माँ का मंदिर है, जब वो कुछ नहीं कर पा रहा, हम क्या करेंगे? हमारी तो कोई कहने वाला है ही नहीं, फिर स्ट्रक नहीं लेगा कोई। खुलेआम दारू, ठीक है, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, कार्रवाई होनी भी चाहिए। देखते हैं, जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे। हिमांशु पर हमला हुआ है और जानलेवा हमला हुआ है, चाकू से ताबड़तोड़ हमला हुआ है और हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में भर्ती है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।